नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने मिल्कीपुर को लेकर जहां बीजेपी के डरने की बात कही थी, वहीं आज भूपेंद्र चौधरी ने उसका जवाब दिया है और इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। यूपी में 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और प्रत्याशी घोषित किया है। मीरापुर से सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। अब तक समाजवादी पार्टी 9 सीटों के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग में गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट मिली है। गाजियाबाद सीट के समीकरण की बात करें तो यहां 2022 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सीटें गठबंधन में तय की है वो अपने हिसाब से सही की है। और रही बात जीत की बात, तो 9 की 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के जो कार्यकर्ता है एक दूसरे की ताकत बन करके लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हमें सीटों से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि समाजवादी का पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी जहां भी होगा पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने कल बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे में भी ये रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए वहां पर हार के डर से चुनाव टाला गया। अखिलेश के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी हार के डर से घबराई हुई है, इसलिए वो मिल्कीपुर का उपचुनाव रोकने की कोशिश कर रही है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के वकील ने केस वापस लेने का विरोध किया। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं इतने खेल खेलने के बाद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हताश है और निराश है, और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में चुनाव ना हो इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो इसका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल माननीय उच्च न्यायालय में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी के वकील और उनके अधिवक्ता महासभा के जिस प्रकार से लोग वकील उपस्थित हुए और उन्होंने इस याचिका का वापसी का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार अपनी सुनिश्चित मानती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रस्तावित वक्फ कानून का विरोध करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि अगर कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहाँ जाओगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में उन्होंने ये बातें कही। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरान मसूद पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद जैसे लोग समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए नफरत भरे बयान देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनाव प्रचार में बयानों की धार और तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर बहराइच में बवाल और राम गोपाल के हथियारों से हिसाब करने के लिए यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक एक मांस से बरामद कर ली है। गुरुवार को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। अब आगे क्या होगा, पुलिस और क्या कार्रवाई कर रही है, बहराइच बवाल और मुठभेड़ की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए आप।
बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को हुई हिंसा में राम गोपाल मिश्रा के हत्या आरोपी सलाखों के पीछे है। हत्या में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों ने बहराइच के जंगलों में इस बंदूक को भेड़िए की मांद में छिपा कर रखा था। पुलिस जब इस हथियार को बरामद करने गई थी तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस पर इसी लोडेड गन से फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने भी तुरंत गोली का जवाब गोली से दिया और दो आरोपियों के पैर में गोली लगी और हथियार के साथ पकड़े गए। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को सीजेएम के सामने पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि मुठभेड़ से जुड़े वीडियो आज भी सोशल मीडिया में चर्चा में, जिसमें दिख रहा है कि कैसे आरोपी माफी मांग रहे हैं। हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर। बहराइच को सुलगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन में है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में एसटीएफ ने मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को मुठभेड़ में अरेस्ट किया है। सरफराज हमीद का बेटा है। बताया जा रहा है कि हमीद की छत से ही राम गोपाल को गोली लगी थी। दूसरी तरफ प्रशासन ने बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हमीद की प्रॉपर्टी की जाँच भी शुरू कर दी है, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहराइच में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा में गोली कांड और आगजनी में 7 लोग घायल हुए थे। घायल अब बहराइच मेडिकल कॉलेज से इलाज कराकर घर लौट चुके हैं। घायलों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पूरी घटना के बारे में बताया और पुलिस पर सवाल खड़े किए। उस दिन हम लोग माता जी के दरबार को लेकर साथ में पूरे गाँव के लोग चल रहे थे और महेशरुआ होते हुए तहसील होते हुए महाराजगंज पहुँचे। महाराजगंज जैसे पहुँचे तो वहाँ पर अब्दुल हमीद का मकान पड़ता है। डीजे को लेकर के कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंक दिया। किसके ऊपर? डीजे पर। उसमें कुछ लोग और माता जी के ऊपर फेंक दिया तो हाथ टूट गया। इस प्रकार से घटना हुई तो पूरा हिंदू समाज मतलब धरने पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार के कई सदस्य कुछ दिनों से गायब हैं। गुहार लगा रही है कि पुलिस उसके पति और देवर को लौटा दे। आरोप है कि 2 दिन पहले ही पुलिस दोनों को लेकर गई है। पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है। हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बेटिया अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई। बहराइच बवाल के आरोपियों से मुठभेड़, अरेस्टिंग और हथियार बरामदगी के बीच जुमे का दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। पुलिस की सतर्कता और फुल प्रूफ प्लान से बहराइच में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। बहरहाल आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अब आगे क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और दिल्ली में जल से लेकर वायु तक जहरीला होता दिख रहा है। यमुना एक बार फिर से झाग झाग है। नदी में प्रदूषण का झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। हवा भी जहरीली होती जा रही है और प्रदूषण पर दिल्ली में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। ये कोई पिघलता ग्लेशियर नहीं, पानी के ऊपर बिछी बर्फ की चादर नहीं, ये यमुना नदी है। दिल्ली की झाग झाग यमुना नदी। यमुना का पानी एक बार फिर मैला है। यमुना में एक बार फिर जहरीला झाग दिखाई दे रहा है। झाग की मोटी परत ने नदी को अपने आगोश में ले लिया है। जहां तक नजर जाए झागी झाग दिखाई दे रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। फास्फेट और नाइट्रेट झाग की वजह, घर फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज, कार्बनिक मॉलिक्यूल की सड़क, ओखला बैराज से तेजी से पानी नीचे गिरना। थोड़े दिन बाद आस्था का महापर्व छठ है।
यमुना के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और श्रद्धालु न चाहते हुए भी इसी यमुना में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होंगे। दिल्ली में कुछ दिन बाद छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छठ पूजा नजदीक है और उससे पहले दिल्ली की यमुना नदी का हाल इतना खतरनाक है कि उसके आसपास खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। दरअसल हम इस वक्त कालिंदी कुंज इलाके के पास है और यहां पर यमुना नदी में आप मेरे पीछे झाग देख सकते हैं। झाग की जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि मुझे कई बार यहाँ पर खांसी आ गई और उसके अलावा यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त बोट जो किनारे पर खड़ी थी उस पर खड़ा हूँ और ये सारा हाल यहाँ पर से आप देखेंगे। दूर तक आपको यमुना नदी का जो पूरा इलाका है वो मेरे कैमरा पर्सन युगल दिखाएंगे। दूर तक अगर आप नजर जाएं तो आपको कहीं पर भी यमुना का पानी नहीं दिखाई देगा, बल्कि झाग उस पर तैरता हुआ मिलेगा। सिर्फ यमुना नदी ही नहीं, दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती दिख रही है। फिलहाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 292 है, लेकिन कई इलाकों में AQI 300 के खतरनाक स्तर को पार कर गया है। यानी दिल्ली में जल और वायु से लेकर जमीन तक में जहर घुलने लगा है। इस बार अब सियासत भी शुरू हो गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी झाग झाग है और हवा भी जहरीली होती दिख रही है। इस प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस पर चर्चा की जगह पॉल्यूशन पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया है, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। भाईजान को फिर मिली धमकी, 5 करोड़ रुपए की डिमांड। एक्स गर्लफ्रेंड सोमी का लॉरेंस को मैसेज, 6 दिन के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरा मैसेज जिसमें लिखा गया था, इसे हल्की में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। इसको लेकर मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। सलमान खान की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। आज सुबह एक और सलमान खान को धमकी वाला मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे आता है और साफ तौर पे कहते हैं उस मैसेज में कि सलमान खान ने अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा और उस मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस मैसेज में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया गया था, जिसके बाद पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जहां पर सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर बाहर सुरक्षा में रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे हथियारों से 24 घंटे यहां पर लैस रहते हैं और पुलिस की गाड़ियां यहां पर 24 घंटे मौजूद रहती हैं। जिस तरीके से बाइकर्स आए थे फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे, उसके बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से जो सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और जो मेन रास्ता है जो वन वे पहले वन वे था उसे भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगातार सलमान को धमकियां मिल रही हैं। उधर इससे पहले सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस को एक ओपन लेटर लिखा है। US में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस से गुजारिश की है कि वो उनसे जूम कॉल के जरिए बात करें। सोमी ने इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो राजस्थान में विश्नोई समाज के मंदिर में जाकर पूजा भी करना चाहती हैं।
सोमी ने लॉरेंस से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। एक्ट्रेस ने लिखा, ये लॉरेंस को डायरेक्ट मैसेज है कि सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉरेंस का फोटो शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है, नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हो, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। एक ओर सलमान के दुश्मन उन्हें अपने टारगेट पर लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाहने वाले सलमान को लेकर चिंतित है। इधर पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर हिंदुओं को संदेश दिया है। कहा है कि हिंदू बट रहे हैं, निपट रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा ने पदयात्रा का ऐलान भी किया है। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। बटोगे तो कटोगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाली चेतावनी बाबा बागेश्वर भी दे रहे हैं। हाल ही में कैलाश विजय वर्गी ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया था और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वही संदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू बट रहा है, निपट रहा है। हिंदुओं को एक करने के लिए बाबा ने पदयात्रा का ऐलान भी कर दिया है। अत्याचार हो रहे हैं, बड़ी सोचनी, चाहे वो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर, लोगों के दिलों में पहुंचना पड़े। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना, तो हमने प्रण लिया कि हम पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा। बहराइच से लेकर नूह तक दंगों पर भी बाबा ने अपनी बात रखी और देश को विकसित बनाने के लिए दो जातियों वाली सलाह भी दी है। मैंने अभी कल परसों एक कोर्स लिखा था कि भारत में आजकल दंगा सरल हो गए, गंगा कठिन हो गई। चाहे वो बहराइच हो, मणिपुर हो, नूह हो, मेवात हो, बड़ी कठिन स्थिति हो, पर वर्तमान में भारत सरकार को और भारत के लोगों को विभिन्न जातियों में बटने की वजह सरकार को दो जातियां बनानी चाहिए, एक अमीर एक गरीब, ताकि भारत हमारा संपूर्ण विकासशील देश हो जाए, विकसित देश हो जाए, और विकसित देश के साथ साधन संपन्न हो, और वो तभी संभव है जब दो जातियां हो, एक गरीब एक अमीर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन अब वो खुद लोगों के पास जाएंगे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा ने पदयात्रा निकालने की बात कही है, जात पात को दूर करने के लिए अलख जगाने की बात कही है। हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर, लोगों के दिलों में पहुंचना पड़े। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना, तो हमने प्रण लिया कि हम पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर की 9 दिन की पदयात्रा है, जिसमें अनेक गांवों के लोग, पिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलकर हिंदू एकता का संकल्प पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचने का भाव रखेंगे और जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को कम करने के लिए हिंदुओं को जगाएंगे। तो सीएम योगी की तरह बाबा को हिंदुओं का बटना मंजूर नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते आए हैं और अब वो खुद मैदान में उतर आए हैं, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा का ऐलान किया है। न्यूज 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एमपी में उपचुनाव का रण सज गया है, बस प्रत्याशियों के ऐलान होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही सियासी माहौल गर्मा चुका है। किसान खाद के बहाने कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर किया है पलटवार। कृषि मंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उर्वरक, खाद और बीज उपलब्ध हैं।
किसान का नाम सियासी काम। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे। खाद MSP सियासत बेहिसाब। कोई भी चीज आने में एक आध दो दिन कहीं लेट हो जाते हैं या कमी आ जाती है तो उसे ये नहीं कहते कि खाद नहीं है। कांग्रेस का वार बीजेपी का पलटवार। जात मेरे पास पे मोहर लगेगी, फिर से मोहर से बताओ, जात मेरे पास पे मोहर लगेगी। दोनों सीट हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तैयारी की क्या, हमारी कांग्रेस थोड़ी है, बीजेपी है। MP में उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के सहारे सियासत चमकाना शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से रबी की फसलों की MSP बढ़ाई गई थी, जिसे लेकर MP में सियासत शुरू हो चुकी है। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, वादे के हिसाब से गेहूं और धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया है, MP में किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। आपको दाम दे पा रहे हैं, ना MSP दे पा रहे हैं, न आपको खाद दे पा रहे हैं, न मुआवजा दे पा रहे हैं। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं। उधर प्रदेश में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उर्वरक, खाद और बीज उपलब्ध हैं। कोई भी चीज आने में एक आध दो दिन कहीं लेट हो जाते हैं या कमी आ जाती है तो उसे ये नहीं कहते कि खाद नहीं है, बीज नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, बीज है और गुणवत्ता पूर्व बीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरोप उन्होंने जो लगाए हैं वो निराधार है। हमेशा तैयारी रहती है बीजेपी की, दोनों सीट हम जीते। खैर, उपचुनाव की तैयारी में किसानों के सहारे प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव का शंखनाद कर दिया। उधर बीजेपी भी कांग्रेस को एक बार फिर पटखनी देने की रणनीति में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही।